हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज़ लर्निंग इज लाइफ। स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टडी फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू बिल्ड। इट मींस फोटोसिंथेसिस, द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बिल्डिंग अप by light. The building up of food by light is the process of synthesis. It occurs in all green plants. Green plants produce food with the help of sunlight. Therefore, they are called producers. So, producers synthesize food with the help of sunlight, carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis, the process by which green plants synthesize their own food from inorganic substances like carbon dioxide and water using sunlight, and the presence of chlorophyll in the leaves of plant is known as photosynthesis. Carbon dioxide ke 6 molecule aur water ke 6 molecules milkar sunlight aur chlorophyll ki presence mein glucose और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से मिल रहा है? सॉइल से। सनलाइट सन से मिलती है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, प्लांट्स की लीव्स में। ग्लूकोज बनता है जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है फूड, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजन कहां से निकलती है? क्वेश्चन आपका आता है कि ऑक्सीजन जो निकलती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वो हमें कहां से मिलती है? वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से? तो जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें वाटर से मिलती है। कैसे मिलती है? इसके कुछ इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के, ये अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। The main events of photosynthesis are absorption of sunlight by chlorophyll present in the chloroplast of green leaves, conversion of light energy into chemical energy, splitting of water into hydrogen and oxygen by light energy. It means sunlight जो होता है वो water को hydrogen और oxygen में divide कर देता है, और ये hydrogen use होती है reduction of carbon dioxide by hydrogen obtained from water into glucose. Glucose बनाने के लिए ये हाइड्रोजन यूज की जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर देता है ये और ग्लूकोज बना देता है बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका सिंपल, आपसे इवेंट्स नहीं पूछता। आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स। क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसमें आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। A photosynthetic leaf of plant contain 100 or more tiny chloroplasts in it. Chloroplasts contain green pigment which is called chlorophyll in it. Chlorophyll help करता है आपका photosynthesis में sunlight को trap करने के लिए। तो ये जितने भी आपको green green dots दिखाई दे रहे हैं सब chloroplasts हैं, और इसके अंदर chlorophyll present होता है। तो जब आप लीफ का TS करते हैं, transfer section करते हैं, तो आपका ऐसा structure दिखाई देता है internal light microscope से। सबसे ऊपर आपकी अपर एपिडर्मिस होती है जिसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर, वैक्सी लेयर होती है। फिर आपका मेसोफिल सेल्स होती हैं, और फिर लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस के नीचे भी क्यूटिकल की लेयर होती है जो ट्रांसपिरेशन से लॉस ऑफ वाटर को बचाती है। जो आपकी मेसोफिल सेल्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। जो लंबी लंबी सेल्स होती है अपर एपिडर्मिस के नीचे, वो आपकी पेरिसेट मेसोफिल्स होती है, और इसके बाद जो राउंडेड होती हैं आपकी जो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर होती हैं वो स्पंजी मेसोफिल्स होती हैं। स्पंजी मेसोफिल्स के बीच में कुछ एयर स्पेस होता है जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोमेटा है। लोअर एपिडर्मिस में स्ट्रोमेटा होते हैं, गार्ड सेल्स है जो स्ट्रोमेटा ओपनिंग और क्लोजनिंग में हेल्प करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है,
हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। तो स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं, जब आपका वाटर मैक्सिमम वाटर आपका गार्ड सेल्स के अंदर आ जाता है तो गार्ड सेल्स क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका पोर जो होता है ओपन हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज इजीली हो जाता है। और जब पानी कम होता है तो वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है गार्ड सेल से, बाहर निकल जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, जिससे कि आपका जो पोर होता है वो क्लोज हो जाता है। तो यानी कि आपका एक्सचेंज जो गैसेस होती है वो स्टोमेटा ओपन और क्लोज के समय, ओपन के समय होगा, और आपका वाटर रेस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने के लिए।